News 18, India. बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में स्पीकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर शनिवार को चर्चा होगी। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर अपने 7 विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की कोशिश की गई, लेकिन उसे हमारे विधायकों ने नाकाम कर दिया। हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए भी ऑफर किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो।